नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली में चल रहे फोर्थ दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2015 में। इस फेस्टिवल में देश विदेश की फिल्मों को प्रदर्शित किया जा रहा है। फेस्टिवल के दौरान एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शॉर्ट फिल्म द धेमाजी ट्रेजडी के लेखक व निर्देशक पार्थजीत बारुआ और फोर्थ दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2015 के आयोजक रामकिशोर पाचा मीडिया से रूबरू हुए। तो आइए जानते हैं कि क्या कहा पार्थजीत व रामकिशोर पाचा ने इस प्रेस वार्ता में। I have started my film with national anthem and ended the film with the national anthem, showing in a symbolic way to suggest that the people of Dhemaji are still want to celebrate Independence Day wholeheartedly, even though they lost their own children. This is the main focus for India. That is the point I clarified that to them. And later on, I want to meet him, the president, and I want an interview for you. And initially, he agreed to give the interview. Later on, he refused to give me the interview. Ram, do you want to say something? सबसे पहली बात मैं इस फिल्म के बारे में ये कहूँगा कि जैसे पार्थजी जो है तो आसाम नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो हालात में वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन हालातों के साथ फिल्म बनाना जो है वो एक दूसरी बात है। और दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है उसमें नॉर्थ ईस्ट सिनेमा जो है उसको एक खास तवज्जो दी जाती है। मणिपुर का सिनेमा है या आसाम का सिनेमा है या नागालैंड का सिनेमा है, तो हमारे यहाँ एक पिछले सालों में काफ़ी अच्छी फिल्में आई हैं और युग दृष्टा फिल्म आई जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला, उसे हमारे यहाँ पे अवार्ड मिला। लेकिन जैसे ये फिल्म है और एक रिलुबन रिबुलियन, ये दो फिल्में डॉक्यूमेंट्री हमारे यहाँ ऐसी आई हैं जो फिल्म को फिल्म की तरह तो दिखाती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो वहाँ के हालात हैं जैसे उल्फा के बारे में बात कर रहे हैं, जो टेररिस्ट हैं वहाँ जो अगेंस्ट गवर्नमेंट या अगेंस्ट ह्यूमैनिटी काम कर रहे हैं, वो कैसे इस इन हालातों के बाद वापस मेन स्ट्रीम में वापस आ रहे हैं। ये जो है ये धेमाजी जो ट्रेजडी है ये एक फिल्म है जो एक ट्रेजडी के बाद उपजे हुए हालातों को दिखाने का काम करती है, और दूसरी फिल्में जो है वो इन ट्रेजडीज के जिम्मेदार जो आदमी हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने इन हालातों को अंजाम दिया है उनको सुधरने का मौका देने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि वो सुधार के बाद जिन लोगों के साथ काम किया जा रहा है वो एक अलग चीज़ है, वो मुझे लगता है थोड़ी सी आसान बात है, लेकिन जिन हालातों में ये हालात पैदा किए जा रहे हैं और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन लोगों के साथ काम करना, जबकि वो मेन स्ट्रीम में आए नहीं हैं, बाकायदा वो एक्टिव हैं टेररिज्म एक्टिविटीज में और उस तरह की, उस वक्त इस तरह की फिल्म बनाना अगेंस्ट द टेररिज्म ये एक ज़्यादा हिम्मत का काम है। और पार्थजीत ने जो काम किया है, ये फिल्म जो है ये केवल दिल्ली फेस्टिवल में नहीं आई है और भी दूसरे जो हिंदुस्तान के फेस्टिवल हैं उसमें भी और बाहर भी गई है, वो ट्रेजडी की बात नहीं कर रही है, ट्रेजडी से जुड़े हुए लोगों के सामने आकर अपनी बात कहने की बात करती है। और पार्थजीत ने मुझे लगता है कि शायद उन हालात में भी काम किया जैसा आप बता रहे थे कि शूटिंग कंप्लीट होने को है और जब लास्ट समअप देना है फिल्म को और एक कंक्लूजन होता है फिल्म का, एक लास्ट वर्जन होता है, वहाँ जाकर के इनको रोक दिया गया कि अब आप इस फिल्म को आगे नहीं बना सकते हैं और जो बनाई है उसको भी आप ख़त्म कर दीजिए, मतलब डैमेज कर दीजिए। लेकिन उसके बाद कुछ दिन ये रुके और इनकी वाइफ और इनकी पूरी फैमिली जो है दोबारा से उन्होंने चीज़ों को इकट्ठा किया और फिर दोबारा से उस फिल्म को शूट किया कुछ हिस्सों को और फिर कंप्लीट करके इन्होंने लोगों के सामने उसको रखा। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी हिम्मत का काम है कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चीज़ें वहाँ हो रही हैं उनको दिखाने के लिए। और आतंकवाद एक ऐसी चीज़ है जो केवल नॉर्थ ईस्ट में नहीं है,
कश्मीर में भी ये बात है, हमारे यहाँ कश्मीर में जो इन हालातों में लोग फिल्में बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, वो फिल्में भी दिल्ली फेस्टिवल में दिखाई जा रही हैं। सीरिया इस समय एक सबसे ज्वलंत कंट्री है जहाँ आतंकवाद, ऐसाई और उस तरह की हरकतें हो रही हैं, लेकिन वहाँ भी परसोजीत जैसे जो फिल्म मेकर है वो अपना कैमरा उठा के निकल जाते हैं। और एक ऐसी फिल्म हमारे पास है जिसमें जब सीरिया से माइग्रेट हुए लोग या तो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में जा रहे हैं या जर्मनी जा रहे हैं या तुर्की में शरणार्थी जा रहे हैं, तो वहाँ उस रास्ते को कवर करते हुए उन्होंने वो फिल्म जो है बनाई है और हमारे यहाँ भेजी है। और उसमें उन एक्चुअल जो टेररिस्ट हैं, जो एक्चुअली जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने शूट किया है साथ साथ, जो उन्होंने आकर के कैमरा उनका छीन लिया या तोड़ दिया या उनको आगे काम नहीं करने दिया गया। और हिंदुस्तान में भी ये बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये परसोजीत जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं वो एक उल्टी जो बहती हुई अगेंस्ट जो ह्यूमैनिटी धारा है उसके अगेंस्ट जाकर के जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा काबिले तारीफ है। There was a girl called Manshi Barmuhai. She was just 9 years old. She had the old parents. In the film, her mother was saying to the Alpha that अगर Alpha यहाँ पर हम लोग के घर में आते हैं तो चारों से मारेंगे, काट देंगे। So that kind of sentence, when some of the members have heard of that banner organization, they came to a place with a different way, different looking code. आपके बोला ये डिलीट कर दो, ये डिलीट करो, इट इज अनसेंसोर्ड बिकॉज द बम ब्लास्ट का सिनेरियो यहाँ पर है, विजुअल्स है, जो बम ब्लास्ट रियल बम ब्लास्ट का विजुअल्स है। अगर इफ आई गो टू द सेंसोर प्लेस देन दे विल अलाउ मी, दे विल एडवाइस मी टू डिलीट दैट पर्टिकुलर विजुअल्स। देयर वाज अ मैन हु वाज डूइंग द विजुअल डूइंग द शूटिंग एट द टाइम। तो प्रॉब्लम तो जब दिखाया था यहाँ पर मुंबई में भी जब दिखाया था वो अब तो एक सम ऑफ द पीपल केम एंड क्वेश्चंस मी अबाउट व्हाई दे हैव अलाउड यू टू यूज दैट काइंड ऑफ सेंटेंस, आई हैव यू गॉट दैट काइंड ऑफ क्रेडिट। इवन कोलकाता में भी दिखाया था ये प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात है कि फिल्म बनाना बड़ी बात नहीं है, जिस सब्जेक्ट पर फिल्म बनी है और जो बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को लेकर के और लोगों को लेकर के दुनिया के सामने जाना कि देखिए साहब ये हो रहा है, हालात तब ज़्यादा खतरनाक पैदा होते हैं फिल्म मेकर, और उसका सामना इन्होंने किया भी होगा जैसा इन्होंने हमें भी बताया और जैसा चीज़ें वहाँ से आई हैं। और फिल्म अगर आप देखेंगे उसमें ये चीज़ ज़्यादा साफ होती है कि एक रियल बम ब्लास्ट को शूट करना, कैमरा आपका लगा हुआ है और बम ब्लास्ट में वो रियल बम ब्लास्ट जो है या वास्तविक जो त्रासदी होती है, आप ठीक ठाक सब चल रहे हैं और अचानक कुछ डिजास्टर हो जाए या ब्लास्ट हो जाए, उसे वैसा का वैसा शूट कर देना, वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो परसोजीत ने वही किया है और कुछ और लोग भी वही कर रहे हैं, लेकिन ये जो फिल्म है ये सबसे खतरनाक कंपो के ऊपर शूट की गई है। इसके लिए तो सब बीइंग ए प्रेसिडेंट दिल्ली फेस्टिवल, मैं इनको बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने फिल्म हमारे यहाँ भेजी है और हमारे यहाँ सिलेक्शन में भी आई है। और जूरी ने भी ये कहा है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिस विषय को अलग से सराहा जाना चाहिए, ये जिसको अलग से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि कम से कम आप बड़े स्टार्स को लेकर के फिल्में बनाते हैं, आप ग्लोरीफाई चीज़ें जो होती हैं उनको लेकर के डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, लेकिन इस तरह के जो सब्जेक्ट है उन पर फिल्में बनाना या डॉक्यूमेंट्री बनाना वो बहुत चुनौती भरा होगा। हाँ, मीनारे दिल्ली अवार्ड हम केतन मेहता साहब को दे रहे थे और केतन मेहता साहब कल ज्वाइन करेंगे हमें, तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं और ऋतुपर्ण सेन गुप्ता जो है वो आ जा रहे हैं, शाम को पहुँच रही हैं वो, कुछ और लोग भी शाम को पहुँच रहे हैं। और फेस्टिवल में इस बार जो है जैसा कि आप अगर ओपनिंग में रहे होंगे तो पहली बार जो है दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो इस प्रिंसेस से बाहर निकला है और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। जैकलिन फर्नांडिस ने ओपन किया और डिप्टी सी वो आए, तो क्लोजिंग जो है उसमें करीब करीब 60 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस वक्त आए हुए हैं। और पिछले 4 सालों में अगर आपने फेस्टिवल देखा होगा तो इस बार आपको कुछ नए और ज़्यादा विदेशी फिल्म मेकर चेहरे जो है वो नज़र आए होंगे, स्टार्स भी आए हुए हैं। शाम को अगर आपको मौका मिले तो आप एक उटोपिया फिल्म है अफगानिस्तान से जो आई है, वो पहली ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर की जो हमारे यहाँ दिखाई जा रही है और अगले साल वो ऑस्कर में जाएगी, लेकिन पहली बार हमारे यहाँ दिखाई जा रही है। तो मलाइना जो उसकी एक्ट्रेस है वो यहाँ आई हुई है, वो अभी आएंगे, आप उनसे भी मिल सकते हैं। और यूरोप की एक बड़ी एक्ट्रेस हमारे यहाँ जैकलिन ऑस्टिन, एग्नेस डी एक फिल्म है हमारे यहाँ, मेरे पास जब वो फिल्म आई थी और जब उसकी लिस्ट थी अवार्ड की तो वो 34 थी। और फेस्टिवल जब शुरू हुआ और वो जब यहाँ पहुँची
तो उसकी जो लिस्ट थी वो बढ़ के 52 हो गई। तो इतने से टाइम में पूरी दुनिया भर में वो फिल्म घूम रही है एग्नेस गई, कोसोवो सर्बिया में जो हालात हैं उनको दिखाने वाली वो फिल्म है। आप देखोगे मार्मिक फिल्म है, उसके शॉर्ट्स बड़े मार्मिक है, वो हमारी क्लोजिंग फिल्म है। तो जैकलिन ऑस्टिन यहाँ आई हुई है और डाना मोस्कोवा रशिया से यहाँ आई हुई है। तो ये सभी लोग रहेंगे और पहली बार दिल्ली फेस्टिवल में करीब करीब 8 एम्बेसीज के जो एम्बेसडर्स हैं, श्रीलंका है, इजिप्ट है, फिलिस्तीन है, जॉर्डन है और इसराइली कल्चर काउंसलर्स हैं, ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय चेहरे हैं हमारे यहाँ शुरू से लेकर के अब तक जो शामिल हुए हैं फेस्टिवल में और अब शामिल होंगे कल तक, उसके लिहाज से भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो होस्ट बी सी आर न्यूज़ के लिए अजय शास्त्री के साथ आफा खान समीर, दिल्ली।